हमारा है वेज जॉन 20 जा रहे हैं कि क्या क्या है, रेड बुल और सब कुछ यहाँ पे। एंड इलेक्ट्रिक बाइक्स। हेलो एवरीवन, तो आज हम आए मोटो जीपी भारत में, जो कि आज नोएडा में हो रहा है। तो आज देखो क्या क्या करते हैं हम। वेज जोन 20, 20 गेट नंबर 20 देखना है हमको। 20 कहाँ पर है, सो मिल जाए। मोटो जीपी पहली बार भारत में हो रहा है नोएडा में, और तो फाइनली हमको कैसे भी करके टिकट मिल चुका है। और अच्छी बात यह है कि टिकट भाई के थ्रू मिला, तो हम थोड़ा इंजॉय करते हैं यहाँ पे, फिर अपना गेट ढूंढेंगे, फिर उसके बाद इंजॉय करते हैं रेसिंग। यहाँ में यामाहा का यहाँ पे बाइक का है, तो काफ़ी सारे आउटलेट खुले हुए हैं देखने के लिए। सभी लोग यहाँ पे फोटोज क्लिक करा रहे हैं और देख सकते हो यहाँ पे गेम भी खेल सकते हैं, गेम खेलने का भी यहाँ पे है। एंड बाहर निकल आए अभी, और आउटलेट और भी जगह देखने जा रहे हैं कि क्या क्या है, रेड बुल और सब कुछ यहाँ पे है। गेट नंबर 24 मिला भी जैसे यहाँ पे। अभी मैं गेट नंबर 20 ढूंढ रहा हूँ, बट गेट नंबर 20 मिला नहीं। प्रवेश द्वार, ओके। सो अभी हम आए हैं होंडा केस में, होंडा की कुछ बाइक्स एंड ऑल देखते हैं। और हम भी कंपटीशन में, होंडा के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखते हैं कुछ जीत पाते कि नहीं। वो कैब तो मिली नहीं, अब देखते हैं उसकी जगह हमें क्या मिलता है, देखते हैं भाई कुछ मिल जाए तो अच्छा है। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं इसके अंदर। हमको एक स्टोरी पोस्ट करने के बदले कैब मिल चुकी है इंडियन ऑयल की, एंड मित्सुकी सुपर बाइक रेसिंग विशेषज्ञता से बना। और हम यहाँ पे काफी सारे एक्टिविटीज देख रहे हैं, जो अभी अच्छा है, और एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है। हम ओला के यहाँ पे भी आए, ओला की नई नई बाइक्स हैं, एंड हम देख रहे हैं ओला की नई नई बाइक्स, बिल्कुल यूनिक स्टाइल है थोड़ा, और अमेजिंग ओला की बाइक्स एंड इलेक्ट्रिक बाइक्स, एंड दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग, एंड कुछ फ्यूचरिस्टिक बाइक्स लग रही हैं। अभी भी हमको हमारा गेट नहीं मिला, और वो फिलहाल कैब मिल गई है होंडा के, उसमें हारने के बाद हमको हमें गेट नंबर 20 दिख गया है, ये 21 है, एंड हमारा एंट्री वहाँ से है। KTM के थ्रू हमको पास मिला है, सो हम जा रहे हैं 20 में। बस धूप काफ़ी है, पर लोग काफ़ी इंटरेस्टिंगली आ रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, सो हम भी इंजॉय कर लें। बस चल दिए, फाइनली हम एंटर हो चुके हैं इसके अंदर, और हमको जाना है ई की तरफ। रो ई आ गया, बट जी अपनी आंखों को खोल के रखो, और हम बाहर पहुंचने वाले हैं। बस Back to the closest I can ever go on. 20 seconds. The guy is leaving.
past year and Sasaki have a युवराज सिंह भी आ चुके हैं और युवराज सिंह और हमको आते हुए देख रहे हैं और जॉनी ब्राइम भी साथ में है। जॉनी ब्राइम चल दिए रेस करने की ओर। रणवीर सिंह देख सकते हो आप, रणवीर सिंह वहाँ पे दिख रहा है जो हाथ से क्लैप कर रहे हैं। फिर से स्टार्ट होने वाली रेस, हमने जॉनी ब्राइम देखा, रणवीर सिंह देखा, युवराज सिंह देखा, पर बड़ी दूर दूर से देखा। फाइनल लैप ख़त्म हुआ और हम वापस अपने गंतव्य की तरफ मुड़ चुके हैं जाने के लिए और हम बस एग्ज़िट डोर ढूंढ रहे हैं। एग्ज़िट डोर हमें मिल गया, बस चल दिए हमको देखना है। वो बस ख़त्म हो गया है, अब कुछ देर में यहाँ से निकल जाएंगे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेके, और ब्लॉग पता नहीं कैसा बनाया पर देख लेना जब आ जाए। और थोड़ा मौसम भी सुहावना हो चुका है और हमने एग्जिट कर लिया है यहाँ से, अब उसके बाद देखते हैं पीछे का व्यू एकदम मस्त। बस जाना कहाँ पे ये देख रहे हैं वापस कैसे जा पाएंगे।
हमारा ब्लॉग आके ख़त्म होता है परी चौक पे। हम पहुंच चुके हैं कैसे भी करके, लिफ्ट लेके हमें लिफ्ट मिल चुकी थी यहाँ तक आने के लिए। और अब बस हम वापस अब जा रहे हैं अपने रूम पर, थोड़ा आराम करेंगे फिर कल की तैयारी करेंगे।